अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। भंडारे का दिन हो, कोई दो मुंह वाला आ जाए तो कितने पत्थर लगाओगे? बोलो राधे राधे। कितने लगाओगे? बोलो भला, बोलो। एक लगाओगे ना कि दो लगाओगे? अब दो भी लगा के कोई फायदा थोड़ा ही है, क्योंकि जाना तो एक ही पेट में है, चाहे एक लगाओ चाहे दो लगाओ। तो भगवान के कितने मुंह है? दो मुंह है, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, भगवान नारायण से ही पूछ लेते हैं कि आप किस मुंह से खाते हैं प्रभु। नारायण नारायण करते हुए नारायण के पास पहुँचे। प्रभु आपने तो बड़ा घालमेल कर रखा है वेदों में, ब्राह्मण को भी अपना मुँह बताते हो, अग्नि को भी अपना मुँह बताते हो, आज तो क्लियर कर दो पत्तल कौन से मुँह पर लगेगी। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पत्तल तो किसी भी मुंह से मैं लगा लो, मैं दोनों से खा लेता हूँ। नहीं नहीं, फिर भी आपको किस मुंह से खाना ज़्यादा अच्छा लगता है? तो जानते हो भगवान ने क्या कहा? यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम। भागवत के ही तृतीय स्कंद में वराह भगवान और हिरण्याक्ष का जो युद्ध है उस समय की चर्चा है। भगवान कहते हैं यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम कि यज्ञ में डाला गया स्वाहा से मैं उतना आनंद नहीं होता जितना ब्राह्मण के मुंह में डालने पर जो आहा से आनंद आता है मुझे। मतलब खाता ब्राह्मण है, डकार मुझे आती है। नारायण कह रहे हैं खाता ब्राह्मण है, डकार मुझको आती है। तो क्या शब्दावली कही भगवान ने? यद ब्राह्मणस्य मुखतः चरतोनुघासम, बल्कि चरतः शब्द है यहाँ पर, खादतः शब्द नहीं है। ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण के मुंह से खाता हूँ, क्या कहा? चरता हूँ। और चरने का मतलब जानते हो? मतलब पूरा चाट चाट के, चाट चाट के। चरते पशु हैं तो घास को कैसे चरते हैं? बिल्कुल जड़ से। तो बोले ब्राह्मणों के मुँह से मैं खाता नहीं हूँ बल्कि चरतोनुघासम, चरता हूँ, इतना प्रिय है। तो कहने का तात्पर्य भगवान ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देते हैं। यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो नुघासम विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहम् विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहम्। भगवान सारा श्रेय ब्राह्मणों को ही तो देते हैं कि अरे विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहम्, इन ब्राह्मण देवताओं के ही आशीर्वाद से तो मैंने इस धरती को धारण किया हुआ है, इन ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से तो कमलावरोहम, मैंने कमला का वरण, लक्ष्मी का वरण किया है, और इन ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से तो मम नाम राम, मेरा नाम राम है, मेरा नाम कृष्ण है, ऐसा दुनिया जानती है। क्योंकि वो ब्राह्मण घर घर में अपना झोला शंख घंटी ले लेकर चौकी बनाकर सुंदर उनके लिए भगवान को पथराता है, आपके आपको उनकी महिमा बताता है। यदि ब्राह्मण ना हो तो आपके अंदर श्रद्धा का विस्तार कौन करेगा? कौन जानेगा कि भगवान क्या होते हैं?